पार्टी का कर रहे हो। सारे देश के नागरिकों को सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियों को मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, जुर्म नहीं होगा। मगर मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये सवाल करना चाहता हूं कि मोदी जी क्या यशोदा बेन पाकिस्तानी है क्या? यशोदा बेन पाकिस्तानी तो नहीं है भाई कि उनके साथ मोदी जी जुल्म कर रहे हैं। अगर यशोदा बेन की तरीके से मुसलमान बेटियों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा इंसाफ नहीं चाहता। अरे मैं तो ये कहता हूं कि अगर यशोदा बहन मुसलमान होती तो तलाक लेकर के दूसरे से शादी करके एक पारिवारिक जिंदगी गुजारती, उसे शादी तो कर लिया, मरना तो पति का सुख मिला, शौहर का सुख मिला, परिवार का सुख मिला, न तो बाल बच्चे हुए, शादी करके और छोड़ दिया कोई मतलब नहीं रहा। तो ये तो बेहतर था कि मुसलमान बेटियां दूसरी शादी करके दूसरी जिंदगी गुजार सकती है, मुसलमान अपने बहन बेटियों को जलाता नहीं है, मारता नहीं है, अगर नहीं पड़ता तो तेला कर देता है, वो दूसरी शादी कर लेती है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं मां मोदी जी से कि मोदी जी जितने दलित मुसलमान की बेटियां हैं, चाहे धोबी मुसलमान हो, हलालखोर मुसलमान हो, नट मुसलमान हो, कराबाज मुसलमान हो, चिड़ियाबाज मुसलमान हो, ऐसी बहुत सारी बिरादरियां हैं जो दलित हैं, अगर वही हिंदू है तो अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है, वही अगर सिख है, बुद्धिस्ट है तो अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है, मगर वही मुसलमान है तो उसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दर्जा नहीं मिलता। तो मोदी जी अगर मजहब के नाम पर मुसलमान बेटियों के साथ इंसाफ देना चाहते हो, भेदभाव नहीं करना चाहते हो, तो मोदी जी लाखों की तादाद में दलित बेटियां हैं, अगर उन्हें आरक्षण मिल जाता, मजहब के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है अगर वो खत्म हो जाता तो उन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल जाता और उनको भी सम्मान अधिकार के साथ जिंदगी गुजारने का अवसर मिल जाता, मौका मिल जाता, तो मोदी जी मजहब के नाम पर ये अत्याचार मुसलमान बेटियों और मुसलमान बच्चों को यह आपको दिखाई नहीं देता।